आस्था का केंद्र है माँ भंडारी देवी, दर्शन मात्र से भर जाते हैं भक्तों के खाली भंडार। मिर्जापुर जिले में भंडारी देवी मंदिर के पास, जो बनारस से महज 33 किलोमीटर के करीब है, वाराणसी से महज 33 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के अहरौरा स्थित इस पहाड़ी पे मां भंडारी देवी का मंदिर अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो कोई भी भक्त अपनी मुरादें लेकर के आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। मान्यता यह भी है कि मांडव नाम का राक्षस इस पहाड़ी पे वास करता था, जिसका वध करने के बाद मां यहीं पे विराजमान हो गई, यहीं पे स्थित हो गई। इनको कुल देवी के रूप में भी पूजा जाता है। आसपास के लोग यहां पे मुंडन कराने के लिए भी आते हैं, और ख़ास करके नवरात्रि के दिनों में मां का चुनरी सिंदूर लेकर के दर्शन करने के लिए भक्तों की एक लंबी कतार लगी रहती है। ख़ास करके चैत के महीने में यहाँ पर मेला भी लगता है। ये मंदिर है, पीछे आप देख सकते हैं, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए नवरात्रि के दिनों काफी संख्या में धार्मिक मान्यता के साथ ही प्राचीन इतिहास को समेटे हुए विंध्य क्षेत्र का विशेष महत्व है। इसी प्राचीनता को मां भंडारी देवी का मंदिर जीवंत करता है। कहता है कि मां के दर्शन मात्र से ही भक्तों के खाली भंडार भर जाते हैं। नवरात्रि में माँ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भंडारी देवी जी का मंदिर है, पहाड़ी पर है, और यहाँ पे हम पंडित जी से बात करेंगे कि इस मंदिर की विशेषता क्या है, क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की। यहाँ जो इनका नाम माँ भंडारी है, ये जो है अरोरा क्षेत्र में, अरोरा पहाड़ी पर हैं। इनका मान्यता है कि जो लोग मन्नत मांगते हैं उनकी सबकी पूरी होती है इच्छा। यहाँ जिस किस भी के लिए कोई आते हैं उनका सब मन्नत पूरी होती है। मानता ही है कि कोई राक्षस था, उसका वध करने के बाद माता यहीं पे विराजमान। यहाँ जो है भांडोदरी नाम का राक्षस था, उसका वध करके माता जी यहीं जो है शक्ति पीठ में है जी। अन्नपूर्णा जी का भी स्वरूप कहा जाता है, क्या है इसका? पहले जो है यहाँ पहले दिढ़िया उड़िया देती थी, अन्न उन्न सबको देती थी। जब पैदा होने के बाद उसका देढ़ा यहाँ ले आकर रखना पड़ता था। इनका गुफा है पीछे एक छोटा सा, तो वहाँ से दे देती थी। जैसे गेहूँ चाहिए, धान चाहिए, तो सब देती थी बोने के लिए किसानों को। अगर पैदा होने के बाद देढ़ा रखा जाता था यहाँ उनके पास। क्या मेला लगता है या नवरात्रि में किस तरीके से व्यवस्थाएं होती हैं? नवरात्र में, सर्दी नवरात्र में थोड़ा कम मेला होता है, और चैत्र में जो है नवरात्र में बहुत ज़्यादा मेला, और सावन में बहुत ज़्यादा मेला लगता है। भक्त अपनी मुरादे किस तरीके से लेके आते हैं और पूरी भी होती है? इनका मन्नत है कि माता जी का एक छोटा सा पीछे ताखा है, उसमें लोग एक गोटी रख करके किसी भी मन्नत के लिए मन्नत मानते हैं। उनकी मन्नत पूरी हो जाने के बाद आकर के जो है कथा सुनते हैं, करहिया चढ़ाते हैं, बच्चों का मुंडन कराते हैं, यही इनका मान्यता है। तो मुख्य अर्चक थे जिनका कहना था कि मंदिर के पीछे एक जगह है, वहाँ पर अपनी कुछ भी चीज़ें रख करके अगर मन्नत अगर मानते हैं तो वो मन्नत पूरी होती है। हम वो गुफा भी दिखाना चाहेंगे, पीछे एक गुफा है और वहाँ पे गोटी रख करके अपनी जो कुछ भी मुरादें हैं आप मांग सकते हैं पूरी। देखिए ये आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा, यहाँ पे ये गोटी रखी हुई है, जिस जो कोई भी अगर गोटी रख करके अपनी कुछ भी अगर मुरादें हैं मांगना चाहते हैं उसकी मन्नतें ज़रूर पूरी होती है। मैं अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार। बता दें कि यहाँ दूर दराज से आए भक्त नारियल, चुनरी और सिंदूर लेकर माँ के दरबार में मत्था टेकते हैं, और पहाड़ पर मंदिर के आसपास माँ भंडारी देवी के पदचिन्ह भी दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं कि प्राचीन समय में हरौरा पहाड़ी पर मांडव नाम का राक्षस रहता था, जिससे सभी परेशान थे। उन्होंने बताया कि एक दिन माँ पहाड़ी पर पहुंची और उसका वध कर दिया। इसके बाद माँ इसी पहाड़ी पर विराजमान हो गईं।